नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जिप फोल्डर को पासवर्ड कैसे लगाते हैं। बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, एक पीएनजी फॉर्मेट में है, एक पावर पॉइंट फॉर्मेट में है और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उस फॉर्मेट में है। हम तीनों को जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे और उसको पासवर्ड लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे और 7-zip इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं किस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, 7-zip। इससे पहले हमने 7-zip पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ये अगर ऑप्शन राइट क्लिक करने पे नहीं आता है तो क्या करना है, 7-zip के ऑप्शन ये किस तरह से यूज करने हैं, सब कुछ डिटेल्स बारे किसी वीडियो बनाए हैं, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएंगे, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्या हमारी एक प्लेलिस्ट है ओपन सोर्स, उसमें जाके देख लीजिएगा। तो चलिए 7-zip पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड टू अर्चिव पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे और जिप फाइल बनाएंगे। ठीक है, पासवर्ड लगाने के लिए और जिप फाइल बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, 7-zip पे जाएंगे, उसके बाद में ऐड टू अर्चिव पे क्लिक करेंगे। अब जिप फाइल बनानी है, यहाँ पे आप इसका नाम भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अर्चिव फॉर्मेट में आपको जिप रखना है, जिप फाइल बनानी है इसीलिए। उसके बाद में यहाँ पे जिप फाइल तो यहाँ बन जाएंगे ओके करके, पर पासवर्ड नहीं लगेगा, तो पासवर्ड लगाते हैं। अब यहाँ पे हम पासवर्ड लगा देते हैं, पासवर्ड जो भी आप रखना चाहे, जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रख देता हूँ ताकि आसानी हो सके, आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। ये देखिए मैंने ये रखा, शो पासवर्ड पे क्लिक किया तो ये शो हो गया। तो मैं यहाँ पे देखिए एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए ये अर्चिव फाइल बन गई है। अब मैं इसे अगर एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो ये ओपन नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी अब दिखाते हैं आपको। देखिए टैग है, ये जो फाइल है इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये PPTX डिलीट कर देते हैं, ये PNG डिलीट कर देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, 7-zip पे जाएंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे और तो यहाँ पे हमें क्या मांगेगा, पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे जब तक ये पासवर्ड नहीं डालेंगे तो ये जो फाइल्स है वो ओपन नहीं होगी। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ये रखा था हमने, ओके करते हैं। देखिए अब ये फाइल ऑटोमेटिक वापस आ गई। तो इस तरह से आपने जाना कि आप किस तरह से जिप फोल्डर को पासवर्ड लगा सकते हैं। अब इस पासवर्ड लगाने का क्या फायदा होगा, अगर ये जिप फोल्डर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी ऑफिस के मेल आईडी पे भेज देते हैं और आप चाहते हो कि पर्टिकुलर बंदे के पास में ये फाइल जाए और उसी को ये पासवर्ड पता हो, तो आप कॉल करके या मैसेज करके उसको तो व्हाट्सएप पे पासवर्ड बता सकते हैं और वही बंदा ये फाइल ओपन कर सकेगा। हालांकि सबके जो आईडी है उसमें लॉगिन होंगे तो उनके पास में तो फाइल जाएंगी, बट जिसके पास में इसका पासवर्ड शेयर होगा वही बंदा इसको ओपन कर सकेगा। तो ये फायदा होता है पासवर्ड लगाने का। तो आपने सीखा कि हम जिप फोल्डर को किस तरह से पासवर्ड लगा सकते हैं। इस तरह के नए टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।